जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मलेरिया से परेशान लोगों के लिए क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 4 से 5 पत्तों को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। थोड़े ही दिनों में मलेरिया का बुखार उतर जाएगा। काली तुलसी या मरुवे के 10 पत्ते, बबूल के 4 पत्ते, 4 काली मिर्च पिसी हुई और अजवाइन 1 ग्राम को एक साथ पीसकर पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को ठंडा हो जाने पर बुखार चढ़ने से पहले पिलाने से बच्चों का मलेरिया ठीक हो जाता है। तुलसी के 15 पत्ते, 10 काली मिर्च और 2 चम्मच चीनी को 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े की 3 खुराक दिन में 3 बार लेने से मलेरिया बुखार में लाभ मिलता है। तुलसी के 10 पत्ते, 5 ग्राम करंज की गिरी, 10 दाने काली मिर्च और 5 ग्राम जीरा, इन सबको पीसकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। दिन में 3 बार 2-2 गोलियां लेने से मलेरिया में लाभ होता है। 10 ग्राम तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च को पानी में पीसकर सुबह और शाम लेते रहने से मलेरिया बुखार ठीक होता है। तुलसी के 22 पत्ते और 20 पिसी हुई काली मिर्च को 2 कप पानी में उबाल लें। जब पानी चौथाई भाग रह जाए तब इसमें मिश्री मिलाकर ठंडा करके पीने से मलेरिया बुखार में लाभ होता है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को एक साथ पीसकर सेवन करने से मलेरिया के बुखार में आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों को प्रतिदिन सेवन करने से मलेरिया होता ही नहीं है। तो ये थे तुलसी के द्वारा हम मलेरिया कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।